उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार कांग्रेस, जाने महाराष्ट्र का क्या प्लान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज महायुति को मात देने की कोशिश में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की एकता कमजोर पड़ती दिख रही है। शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की जिद से परेशान होकर महाराष्ट्र कांग्रेस उन सीटों पर फ्रेंडली फाइट यानी मैत्रीपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार है। जिन सीटों पर उद्धव और पवार गुट समझौते के लिए तैयार नहीं है, शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं की बैठक में तय किया गया कि अगर उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार वापस नहीं लेते और एनसीपी भिवंडी की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस भी सभी सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए अपने उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने कहा कि शिवसेना यूबीटी की एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा से कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। बैठक में ये फैसला लिया गया है कि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से राज्य में 6 लोकसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की इजाजत मांगे। इन सीटों पर एमवीए में अब भी विवाद। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर अब तक अघाड़ी में शामिल तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार में विवाद है। दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, सांगली और भिवंडी की सीट को लेकर तीनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। उद्धव ने तो दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और सांगली इन 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। इनमें से 3 सीट दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और सांगली सीट पर कांग्रेस शुरू से ही दावा कर रही है। इसी तरह भिवंडी सीट को लेकर कांग्रेस और शरद पवार गुट के बीच तनातनी चल रही है। कांग्रेस में आक्रोश विवाद की इस स्थिति के चलते कांग्रेस में काफी आक्रोश है। उत्तर पश्चिम मुंबई से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नए विकल्प तलाशने की बात कर रहे हैं। मुंबई के तमाम बड़े नेता अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसके बावजूद उद्धव मुंबई और सांगली की सीटों पर अपने उम्मीदवार वापस लेने को तैयार नहीं है। महायुति में भी महाभारत। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में भी अमरावती की सीट को लेकर महाभारत मचा है। बीजेपी ने इस सीट से नवनीत राणा को टिकट दिया है। राणा के खिलाफ महायुति में शामिल प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शिंदे सेना के नेता अभिजीत अड़सुल भी राणा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।